जो वस्तु आपके बुद्धि को तीक्ष्ण करे, जो वस्तु आपके शरीर को शक्ति दे, जो वस्तु आपकी आत्मा को पवित्र रखे। आप क्या खाते हो? आप सोचो, आप क्या खाते हो? आप पेट भरने खा रहे हो कि सिग्नल की पूर्ति कर रहे हो? आप बताओ, वो सिग्नल दे रही है कि कहीं कोई कमी है। जब भी आपको भूख लगता है, आप थक जाते हो, शरीर कहता है कि अब नई वीर्य की जरूरत है, नई शक्ति की जरूरत है। हम जो भोजन करते हैं, पेट भरने नहीं खाते, शरीर के अंगों को चुस्त रखने के लिए खाते हैं। आप किस लिए खाते हो महाराज? किस लिए खाते हो? आज तक आपने जो भी किया, पेट भरने खाना, इसलिए फिर आप मैगी भी खाओगे, पिज्जा भी खाओगे। ये जो पदार्थ पेट में चिपक जाते हैं आंतड़ियों में, आपको लिख के देता हूं, आप आंतड़ी टेस्ट कराना। 3-3 साल के पुराने मल आपके आंतड़ियों में फंसे हुए हैं। क्या खाना, ये विवेक नहीं होगा, उसकी आंतड़ियां कचरे से भरी होगी, तो फिर मल कैसे निकलता है? उसके फंसने के बाद भी थोड़ी जगह नालियों में बची रहती है, जहाँ से कोई ना कोई चीज़ बाहर निकल रही है, लेकिन 6-6, 7-7 साल के पुराने कचरे आंतड़ियों में फंसी है। इसलिए आंख भारी लगता है, शरीर भारी लगता है, पैर दुखने लगता है। जिस दिन पेट साफ हो जाएगा, उस दिन मन साफ हो जाएगा। जिस दिन मन साफ होगा, उस दिन बुद्धि साफ होगी। जिस दिन बुद्धि साफ होगी, उस दिन चित्त साफ होगा। और जिस दिन चित्त साफ होगा, उस दिन आत्मा साफ होगी। वो आहार से ही शुरू होता है ये सफाई की क्रिया। जय गुरुदेव। ये सफाई की क्रिया आहार से शुरू होती है। कहाँ से? आहार से। आपके आहार का कोई चयन है आपके पास? जीभ मानता है, उसको आप खाते हो। आपके लक्ष्य पूर्ति में आहार बहुत बड़ा मायना रखता है, क्योंकि आहार आपको सोचो कि ये तो कचौड़ी है, जलेबी है, समोसा है, बढ़िया स्वादिष्ट है, खा लो। लेकिन जैसे आहार लोगे, राजसिक, तामसिक, सात्विक, वैसी आभा मंडल आपके शरीर के चारों तरफ बनेगा। और जैसी आभा मंडल बनेगी, वैसे सुख या दुख, धन या दरिद्रता को वो आभा मंडल खींचेगी। वो भोजन से ही शुरू होता है ये आभा मंडल। आप दरिद्र हो तो भोजन आपको दरिद्र भी कर सकता है, क्योंकि वो तामसिक आहार नेगेटिव ऑरा क्रिएट करता है। जहाँ नेगेटिव ऑरा चारों तरफ है, नेगेटिव चीजें जिंदगी में निरंतर आती रहेगी आपके पास। क्या आएगी? नेगेटिव चीजें। चाहते हो कि नेगेटिव आए? नहीं, लेकिन खाते तो नेगेटिव ही हो। इसमें कई लोग मांसाहारी भी होंगे, मैं उनको चलता फिरता मसान बोलता हूँ, जो भी मांसाहारी है। मैं कई बार कहता हूं कि मांसाहारी कौन? आप कई बार मैं उसका फर्क समझाता हूं। शाकाहारी कौन? मांसाहारी कौन? जिसके आंख लंबे लंबे हैं, वो कोई भी प्राणी मांस नहीं खा सकता। दुनिया में कोई प्राणी जिसके आंख लंबे हो ना मांस खाता हो, बता दो, मैं आपको 1000 करोड़ दूंगा। जिनके आंख गोल है वही मांस खाएंगे। शेर, चीता, सबके आंख गोल है जो मांसाहारी प्राणी है। हाथी के आंख लंबे, बैल के आंख लंबे, गाय के आंख लंबे, मनुष्य के आंख लंबे, ये शाकाहारी प्राणी। शाकाहारी जय जय गुरुदेव। ऐसी प्राणी है शाकाहारी, जिनके आंख लंबे हैं वो मांस नहीं खा सकता, क्योंकि प्रकृति ने मांसाहारी का शरीर की रचना, शाकाहारी की शरीर की रचना बिल्कुल व्यवस्थित अलग अलग करके रखा है। अगर उसके बाद अगर आप मांसाहार खा रहे हो, तो जब तक धरती में मांसाहार रहेगा, धरती में आतंकवादियों से खून बहता रहेगा। ये धरती रक्त सिंचित होती रहेगी मांसाहार के कारण।